भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत की खबर से जितना भोजपुरी इंडस्ट्री को झटका लगा है, जितना उनके चाहने वालों को झटका लगा है, उतना ही झटका उनके बॉयफ्रेंड समर सिंह को लगा है। अभिनेत्री के निधन के बाद उनके कथित बॉयफ्रेंड समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर निशब्द रेस्ट इन पीस और हैशटैग आकांक्षा दुबे लिखा है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे पिछले कुछ समय से समर सिंह के साथ रिश्ते में रही थी। वो आए दिन सोशल मीडिया पर समर सिंह के लिए अपना प्यार जाहिर करती रहती थी। आकांक्षा और समर सिंह की जोड़ी को भी फैंस खूब पसंद करते थे। अब आकांक्षा दुबे और समर सिंह के बीच कैसा रिश्ता था, ये तो वो ही जाने। आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत राकेश मिश्रा के म्यूजिक वीडियो तू जवान हम लड़का से की थी। ये म्यूजिक वीडियो काफी सफल हुआ था। इसके बाद आकांक्षा बुलेट पे जीजा, करवटिया जैसे कई भोजपुरी म्यूजिक वीडियोस में काम कर चुकी हैं। आकांक्षा दुबे ने 4 दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया पर एक आखिरी पोस्ट साझा किया था, जिसमें वो लिखी थी कि मैं बुरी कल भी नहीं थी और अच्छी आज भी नहीं हूँ। इस पोस्ट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है आकांक्षा दुबे के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के होटल में आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में अभिनेत्री का शव मिला है। वो भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। गौरतलब है कि अभिनेत्री की मौत के बाद पुलिस समर सिंह से बातचीत करेगी, क्योंकि अभिनेत्री ने मौत से पहले आखिरी काम पवन सिंह के साथ किया था। उनका आखिरी गाना पवन सिंह के साथ रिलीज हुआ था, तो इस वजह से पवन सिंह से भी पुलिस बातचीत कर सकती है। और साथ ही जिस फिल्म पे अभिनेत्री वर्तमान समय में काम कर रही थी वो भी शक के दायरे में है। अब ये हत्या है या खुदकुशी, इसमें किसका हाथ है, अभिनेत्री ने क्यों ऐसा कदम उठाया, ये जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे।